जब तक कट्टे चलते रहेंगे तब तक कुछ उपति नहीं आएगी, याद रखना। जब तक कट्टे लेके हमारे बच्चे चलते रहेंगे तब तक बाहर से हजारों करोड़ रुपए लगा करके फैक्ट्री चलाने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा। ध्यान से सुनिए, खासकर वो युवा जो इन दिनों बेरोजगारी से जूझ रहा है, और मंच से युवाओं को रोजगार न मिलने का कारण बताने वाले ये हैं बागपत से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह। दरअसल सांसद अपने शहर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहने लगे कि अभी भी युवाओं के हाथ में कट्टे यानी देसी तमंचे हैं जिन्हें वो बेखौफ लेकर चलते हैं, और इसी कारण बाहर के उद्योगपति जनपद में नहीं आ पाते। जिस दिन से ये युवा देसी कट्टे लेकर घूमना बंद कर देंगे उस दिन बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। अच्छे युवा भाई ऐसे हैं ना कि जिसके हाथ में कट्टे बने हैं कट्टों का मामला कटोरे पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हाथ में कट्टे लेकर घूमते हैं तो कटोरे। अभी हमारे नए जिलाधिकारी जी हैं, पिछले बार मैंने एसपी साहब को बात बताई थी, ये बात उनके सामने भी बात आना चाहिए भाई, कट्टे भी लेकर लोग चलते हैं। जब तक कट्टे चलते रहेंगे तब तक कुछ लोग नहीं आएंगे, याद रखना। जब तक कट्टे लेके हमारे बच्चे चलते रहेंगे तब तक बाहर से हजारों करोड़ रुपए लगा करके फैक्ट्री चलाने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। हम लोग ये तय करें कि कट्टों की दुनिया चली गई बड़ी, अभी जो हमारे क्षेत्र का अपना विकास हो रहा है, कितनी सड़कें बनी है, लोग आने के लिए तैयार है, लेकिन अब हमको भरोसा देने के लिए तैयार है कि यहाँ की जवाबदारी। दरअसल यूपी दिवस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में आज भी पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में तमंचे हैं, जिसकी वजह से दूर से आने वाले उद्योगपतियों को काफी डर रहता है। जिस दिन युवाओं को इस गंदी लत से निकाल दिया जाएगा उस दिन से बागपत विकास की राह पर चलने लगेगा। बहरहाल मंच से अपने भाषण पर सफाई देते हुए सुनिए सांसद सत्यपाल सिंह ने क्या कहा। पहले जो गुंडागर्दी यहाँ पर होती थी, गुंडागर्दी के कारण जो कुछ अवैध हथियार यहाँ पर लोग रखते थे, गलत काम करते थे, उससे बाहर के जो उद्योगपति हैं उनके मन में एक शक और एक डर पैदा होता है। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है, हम सब लोग जो हैं समाज के जो प्रतिनिधि हैं, समाज के जो बड़े लोग हैं, हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे जो टीचर्स हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि हम गलत कामों से रुकें, अवैध हथियार हों, अवैध काम हों, उनसे अपने को हम दूर रखें ताकि बागपत का नाम एक संस्कारवान बागपत हम बना सकें, एक ऐसा बना सकें कि बेरोजगारी मुक्त बागपत बना सकें। बेरोजगारी मुक्त बागपत तभी बन पाएगा जब हमारे सब बच्चों को यहाँ पर जो रोजगार मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा जब बाहर से उद्योगपति यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। निश्चित रूप से बागपत के लोगों से मैं अपील करता हूँ, और जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से यहाँ पर सुधार हुआ है, हमारे बच्चे अपराध से दूर होकर के अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बहरहाल सांसद की तरफ से आए इस बयान के बाद युवाओं में काफी रोष है। हालांकि प्रदेश में अभी भर्तियां ऐसी भी हैं जिनकी नियुक्ति के लिए युवा बेहद परेशान है। आए दिन अनशन और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके इस प्रदर्शन और रोष का जवाब देने वाला कोई नहीं। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर प्रदेश के इन विभागों को हुआ क्या है जो जवाब देने या कार्रवाई करने के नाम पर गहरी नींद में सो जाते हैं। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।